हाय दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लंगोट की स्टिचिंग बताने वाला हूँ। किस तरह से बनता है और किस तरह से पहना जाता है वो मैं आपको दोनों बताने वाला हूँ। आइए। हाय फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू सी हाउ टू स्टिच लंगोट एंड हाउ टू वेयर इट। लेट्स सी द प्रोसेस। इसका कटिंग तो आपने देख ही लिया है मेरे फर्स्ट वीडियो में। ये 36x18 लिया था और ये 40 इंच लंबा है और 8 इंच चौड़ा है और इसमें 10 इंच का और ये पार्ट लगने वाला है। भाई किस तरह से आज बनेगा मैं आपको बताता हूँ, आइए देखते हैं। और ये डोरी का कपड़ा जो कि वेस्ट लाइन में लग के वो बांधा जाएगा किस तरह से। ये काट लिया है हमने 1 इंच और इसको हमने 22 में कट किया है। आइए देखते हैं कैसे बनता है। इसको आप इस तरह से बड़े वाले पार्ट को पहले यहाँ पे अटैच कर दीजिए। आप यू हैव टू अटैच रेक्टेंगुलर पार्ट विथ ट्राइंगल पार्ट एज वी शोन अर्लियर। ये देखिए ये जॉइंट हो गया। अब ये वाला जो छोटा वाला पार्ट है इसको भी हमको इसमें जॉइंट कर लेना है। इसको नीचे से रखिए इससे कवर हो जाएगा। थर्ड पार्ट ऑफ 10 इंच दैट यू हैव टू पुट बिलो द ट्राइंगल एंड अटैच इट एट द सेम प्लेस वेयर वी हैव एट रेक्टेंगुलर 40 इंच पार्ट। ये देखिए ये इसका एक कवर हो गया। नाउ यू कैन सी दिस इज कवरिंग द ये मार्जिन इसके अंदर आ गया इस तरह से। अब इसको भी आप यहाँ पे फोल्ड करके एक स्टिचिंग मार दीजिए और एक स्टिचिंग यहाँ मार दीजिए। यू हैव टू फोल्ड 10 इंच पार्ट हाफ इंच एंड डू स्टिचिंग। इसको फोल्ड कर लीजिए, फोल्ड करके इसको यहाँ पे मार दीजिए। इसको यहाँ पे दांत की सिलाई मार दीजिए। एट अदर एज वी हैव टू गिव 1 स्टिच लाइन ऑफ 1 दांत। तो इसको मिला दीजिए या अप्लिक कर दीजिए दोनों पार्ट को। एंड डू द अप्लिक एंड अटैच बोथ द पार्ट टुगेदर फ्रॉम द साइड। ये नीचे का पार्ट जुड़ गया है, देख लीजिए आप। ये देखिए आपका लंगोट का। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको पक्का करेंगे। ये वाला एरिया ये पूरा एक सिलाई मार के पक्का करेंगे और ऊपर वेस्ट में क्रॉस पट्टी लगा देंगे बांधने के लिए। फ्रॉम एज ऑफ द लंगोट यू हैव टू डू स्टिचिंग एंड मेक इट फाइनल स्टिच लाइन एंड अबव यू हैव टू अटैच द डोरी और यू कैन से स्ट्रिंग। इसको आप एक बार कच्चा कर लीजिए फिर बाद में पक्का कीजिए क्योंकि क्रॉस में कटिंग है, आपको आराम रहेगा बनाने में। दिस यू हैव टू गिव द स्टिच लाइन फर्स्ट एंड देन फोल्ड इट फाइनल वन
because this triangle is cut in bias. So it will be easy for you if you do the stitch like this. इसको आप कच्चा मान लीजिए इस तरह से, पहले पूरा देखिए ये पूरा कच्चा हो गया है, अब इसको हम पक्का करेंगे। नाउ वी आर फोल्डिंग इट अगेन एंड मेकिंग इट फाइनल स्टिच। इस तरह से आप करोगे तो आपको बनाने में थोड़ा आराम रहेगा, नहीं तो ये भागेगा। This is the easiest method to fold the fabric when fabric is in bias. ये 1.25 इंच चौड़ा कटा हुआ है बायस में, क्रॉस में। कम से कम ये कितना मीटर कटा हुआ मैं आपको बताता हूँ, ये 2.25 मीटर कटा हुआ है। तो इसको हम 30 इंच पहले छोड़ देंगे, 30 इंच एक्स्ट्रा छोड़ेंगे, फिर यहाँ लगाएंगे, बाकी फिर 30 इंच यहाँ छोड़ेंगे। स्ट्रिंग इज मेड इन बायस, इट्स 1.25 इंच। We will attach here on the waist line. First we'll leave 30 inch in one corner and 30 inch in other corner, and in center we'll attach it remaining. इस तरह से ये 30 इंच 30 इंच छोड़ दीजिए, इसको अटैच कर दीजिए यहीं से। Leave the 30 inch in one side and now attach the string. इसको lightly खींचिए और लगाइए। Stretch the string lightly and attach it in the middle part of the fabric. इसको आप उल्टे साइड से लगाइए, जो फोल्ड हुआ है उल्टा साइड हो गया है, उल्टे साइड से लगा के सीधे साइड में इसको पक्का कीजिए। दिस स्ट्रिंग यू हैव टू अटैच इट एट रॉन्ग साइड ऑफ द मेन ट्राइंगल एंड यू हैव टू टर्न इट ऑन द राइट साइड। फिर यहाँ पे इसको 30 इंच, इसको भी आप छोड़ दीजिए 30 इंच। अदर एंड ऑल्सो यू हैव टू लीव 30 इंच लॉन्ग स्ट्रिंग एंड रिमेनिंग यू हैव टू कट इट। अब इसको हम इस तरह से घुमा देंगे और यहाँ से पक्का करना हम शुरू करेंगे इस साइड से। नाउ यू हैव टू टर्न द ट्राइंगुलर पार्ट and start doing final string this way. You have to fold both the edges of the
string inside and stitch it. इस नाड़ी को आप इस तरह से पक्का करते चले आइए, लास्ट तक इस तरह से आप पूरा पक्का कर दीजिए, आपका लंगोट तैयार हो जाएगा। सेम वे यू हैव टू डू इट टिल द एंड ऑफ द स्ट्रिंग एंड यू कैन सी द योर लंगोट इज रेडी। ये देखिए ये है ना, इसके ऊपर ही इसको हमको पक्का कर देना है, ये इसके ऊपर फाइनल कर देना है इसको। हियर ऑल्सो यू हैव टू डू द सेम थिंग ऑन द फैब्रिक, यू हैव टू फाइनल इट होल्डिंग टू साइड ऑफ द स्ट्रिंग। देखिए इस तरह से ये एक दूसरे का मुंह आपस में जुड़ जाएगा और ये पक्का हो जाएगा, इसका कचरा इसके अंदर चला जाएगा। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ये आपका लंगोट स्टिचिंग में फाइनल हो गया। दिस योर लंगोट इज रेडी। ये आपका लंगोट रेडी हो गया है। आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप लाइक करो, कमेंट्स करो एंड शेयर करो। थैंक यू।